इंसाफ के लिए तो हम लोग मांग तो कर रहा है, अभी तक भी मांग कर रहा है। हम लोग का गांव अभी तक ना रास्ता है ना पानी है, सब सेंटर भी नाम आया लेकिन दूसरा जगह में आया, हम लोग का गांव में नहीं है। तो मेरा नाम तानिया लश्कर है, मैं उधार असम के उधारबंद एरिया में रहती हूँ और सिलचर कोर्ट जो है काछा डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी के अंडर आता है, उसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मोस्टली वमेन रिलेटेड लॉज और वमेन रिलेटेड केसेस डील करती हूँ, बट कुछ और भी जो क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस भी फाइल किए हुए हैं। मेरी तो जर्नी की शुरुआत तो घर से ही हुई है, एक्टिविज़म की शुरुआत। मेरी बाबा जो है वो एक्टिविस्ट थे। मेरी लड़की ने क्लास सिक्स से ही चॉइस कर लिया था लॉ पढ़ेगी, तो वो उसका समझ में क्या था पता नहीं, ये पढ़ बोलती थी, उसका टीचर लोग बोलता था क्या पढ़ कौन क्या बनेगा बोलो, तो वो बोलती थी मैं लॉयर बनूंगी। मेरे गांव में मैं ही सबसे पहली लॉयर हूँ, लड़के और लड़कियों में दोनों में। मेन काम जो मेरा है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस का काम है। मंथली एक लीगल एड कैंप होता है जहाँ पे हम लोगों की कंप्लेन सुनते हैं और जगह जगह जाके फिर कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं जिनमें क्या क्या लॉज है लड़कियों के लिए, क्या क्या लॉज है वमेन के लिए, वायलेंस रिलेटेड लॉज और बाकी भी प्रोटेक्टिव लॉज जो वमेन रिलेटेड लॉज है उनके बारे में बातें करते हैं। और केसेस जो केसेस कोर्ट में फाइल करनी होती है फिर वो कोर्ट में फाइल करते हैं, जो केस प्री लीगल स्टेज में सेटल हो जाता है उसको एग्रीमेंट बना के सेटल करवाते हैं, फिर उसको फॉलो अप भी करते हैं एक साल तक कि कितना ऐसे कोई वायलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं रेस्क्यू की ज़रूरत है तो उसमें रेस्क्यू भी करवाते हैं पुलिस के साथ मिल के। ये हौसला मिला कि मैंने उन्होंने केस फाइल करने के लिए हम लोग को साथ दिया, मदद कर लिया हम लोग का फैमिली के लिए, और कॉम्पनसेशन भी उसी वजह से हम लोग मिला, तब तक घर हम लोग अच्छे सेफ होके आया, नहीं तो हम लोग के पास कुछ नहीं है बचा, हम लोग का घर भी तोड़ दिया, इसी वजह से हम लोग घर भी दूसरा मिल गया, ये घर है मेरा। सेकेंड संडे हर महीना सेकेंड संडे तानिया जी आते हैं ऑफिस में, और सर्वाइवर भी आते हैं और जो रेस्पोंडेंट भी आते हैं उसको मैं बुलाती हूँ नोटिस देके, और कोर्ट में जो हैंडल करती है उसको तो तानिया जी ने बुलाती है। अभी हमारे केस चल रही है, केस में हमारे तानिया वकील है, आगे अभी हम आगे बढ़ेंगे उनके लेके। मैं जितने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई वो सब में हम सबसे पहले जो काम करते हैं कि ICC बिल्ड होने की बात करते हैं, कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो जो मैंडेटरी भी है, उनकी भी खुद की भी ट्रेनिंग करवाते हैं पॉश के बारे में या DV के केसेस में, जैसे बाकी सारे जो फैसिलिटेटर्स हैं उनके साथ भी हमने ट्रेनिंग्स की है कि उनको भी पता चले। विशेषकर मेदर विभिन्न व्यापारे ওকে কাজ করতে আমরা দেখি এবং এ ব্যাপারে ও একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই এই ধরনের কাজকর্মের প্রাসঙ্গিকতা সেটা বরাকের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন। ये जरूरी है कि यंग लोगों को भी रिकॉग्निशन मिले, ये सिर्फ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी कलेक्टिव जो वर्क है उसके लिए ज़रूरी है, हमारे कम्युनिटीज़ की बातें ताकि हम सही से स्ट्रांगली रख सकें इसीलिए ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों में जब हम मुद्दे उठाए तो देयर विल बी ईयर्स टू हु विल हियर अस, क्योंकि नहीं तो बहुत बार मैंने फील किया है कि वो नहीं सुनते, जो सोशल कैपिटल जिनका ज़्यादा होता है उन्हीं की बात सुनी जाती है और हमारी बात नहीं सुनी जाती, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क व्हिच इज मार्था फेरल इज डूइंग।